अभी सामने देख सकते हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले बहुत टाइम मैंने किक मारा। I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payment. Hello everyone, so कैसे हो आप? So guys, आज आपके लिए है NS बाइक का रिव्यू लेके आया हूँ। सो ये मेरा बाइक है, पर्सनल बाइक है, 1 ईयर से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। सो गाइस, इसका रिव्यू बोले तो मैं 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे इसका मेन प्रॉब्लम है इंजन का। सो इंजन में यहाँ पे देख सकते हो, इंजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ये वाला। गर्म तो बहुत जल्दी होता है। एक दूसरा बात, जो सर्विस है ना, शोरूम में कभी भी आप सर्विस कराओ मत जाओ, मैं बोलता हूँ। अगर जाती हो तो सभी सर्विस कम्प्लीट करो। क्या हुआ, मैंने इसका इंजन में एक प्रॉब्लम आया, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। साउंड आता है जो भी हो, इसमें एक ड्राइविंग चेन करके कुछ है इसके अंदर, इंजन के अंदर। सो ये प्रॉब्लम है। सो शोरूम वाला मुझे क्या बोला कि आपका ये गाड़ी वारंटी पे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मैंने सर्विस बाहर कराया था शोरूम में, मैंने 4-5 सर्विस कराया था, बाहर कराया था इसको सर्विस, इसलिए ये बोल रहे वारंटी पे नहीं आएगा। ये है बजाज वाला का मतलब कहना है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही करवा लेता हूँ। वो भी बोल रहा है इसको ठीक कराने में लगभग 10,000 लग जाएगा इसको इंजन को ओपन करने के लिए। सो गाइस, 10,000 लगेगा इस इंजन को ओपन करने फिर लगाने के लिए, साउंड के लिए। जो मैं साउंड सुन सकते हो मैं दिखाता हूँ। और गाइस, गाड़ी में क्या बोले, गाड़ी सभी ठीक है, गाड़ी का स्पीड भी ठीक है, बट दिक्कत और एक है इस गाड़ी का, जो स्टार्ट बीच में ऑफ हो जाता है, यही है दिक्कत। और इसमें तो 125 सीसी है ये वाला NS 125। और इसका ब्रेक सिस्टम भी ठीक है। और क्या बोले, इसका बाइजर बहुत ही गंदा बाइजर है गाइस, अगर जोर से छटका लगा तो ये बाइजर टूट जाएगा, मेरा टूटा हुआ है ऑलरेडी। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी का जो हाइट है, बहुत ही कंफर्टेबल हाइट है, चलाने में मज़ा आता है। आप यहाँ पे ग्लास लगा के चलाऊँ, मैंने ग्लास ओपन कर दिया एक्चुअली। तो ये है गाड़ी, और ये 5 गियर का गाड़ी है, 12 लीटर का पेट्रोल इसमें आता है। और गाइस, हेडलाइट ये LED नहीं आता, मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा LED। और इसका चेन पॉकेट सबसे ज़्यादा जाता है गाइस, अगर 3 दिन गाड़ी चलाओगे तो चेन टाइट करना पड़ेगा, इसमें चेन से साउंड आता है। और आपको गाड़ी चला के मैं दिखाता हूँ अभी, बहुत ही गंदा गाड़ी है गाइस, इसको मत खरीदो, मैं पर्सनली बोलता हूँ इसको मत खरीदो, बहुत ही गंदा है। गाइस अभी देख सकते हो, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, पौड़े पे नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है गाइस, गाड़ी 1 साल भी नहीं हुआ गाड़ी का। देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैंने क्या बोला, ये ऐसा ही करता है बीच बीच में, अभी गाड़ी स्टार्ट करके इधर रखा हुआ था। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कितना गंदा गाड़ी है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी जस्ट मैंने टंकी इसको ऑयल फुल करके लाया हूँ। और ये गाड़ी बीच में ऐसा ही होता है, अगर तुम लंबा थोड़ा चल गए ना आगे 100 किलोमीटर 200, तो बीच में स्टार्ट हो जाता है। सो ये गाड़ी मत खरीदो, मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। सो इसका प्लग में प्रॉब्लम रहता है हमेशा, नहीं होगा गाइस, स्टार्ट नहीं होगा। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं फिर भी किक करके ट्राई करता हूँ। 125 में किक भी है,
गैस स्टार्ट तो नहीं हो रहा है अभी, अभी इसको मैकेनिक सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है? ऐसा हमेशा प्रॉब्लम होता है, महीने में मुझे 3-4 बार प्रॉब्लम होता है, ऐसा स्टार्ट नहीं होता। सो फ्रंट साइड में यहाँ पे डिस्क देख सकते हो, बहुत ही गंदा डिस्क है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सडनली ये प्रेस हो जाता है, पीछे ड्राम है। और गाइस क्या रिव्यू करूँ, रिव्यू करने के लिए आया था, गाड़ी चला के दिखाना था आपको, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हो गया। स्टार्ट भी ऑफ हो गया। तो गाइस यहाँ पे एग्जॉस्ट सुन सकते हो, और यहाँ पे स्लो इंजन का साउंड, मैंने इंजन का साउंड बोला है ना, ये गाइस इंजन से नॉइज आता है। सो इस तरह नॉइज है इंजन से, मतलब वो कुछ चेन की वजह से, इधर अंदर एक चेन है वो लूज हो गया। सो टाइट कराया था 3 बार शोरूम पे, फिर भी नहीं हुआ। सो यही है दिक्कत, स्टार्ट भी नहीं होता कभी कभी। नया गाड़ी आप देख सकते हो, गाड़ी चला भी नहीं, 12,000 कुछ 20,000 चला हुआ है गाड़ी, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। सो देख सकते हो गाड़ी, एक चला के दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गया, सो गाइज मेरा मानना है ये गाड़ी आप मत खरीदो, बहुत गंदा गाड़ी है, गियर का सिस्टम भी ठीक नहीं है इसका, बिल्कुल भी काम नहीं करता गियर का सिस्टम। और स्टार्ट अभी सामने देख सकते हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ थोड़ी देर पहले, बहुत टाइम मैंने किक मारा, सेल्फ भी ट्राई किया, स्टार्ट नहीं हुआ, यही प्रॉब्लम है, कुछ देर बाद होता है स्टार्ट। सो बस इतना ही गाइज, गाड़ी ये मैं इसको लेके बहुत ही पछता रहा हूँ, इस गाड़ी को बिल्कुल की मत खरीदना। और बजाज वाला बिल्कुल भी टिक नहीं गाइज, बजाज वाला आपको चुतिया बनाएगा, बजाज सर्विस सेंटर में जाओगे तो। मेरा इंजन का 5 ईयर्स का वारंटी है, ये बोल रहा है वारंटी में नहीं आएगा, तुमने शोरूम में सर्विस नहीं किया, मतलब उसी का बजाज सर्विस सेंटर में अगर सर्विस सब करोगे तो वारंटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको वारंटी, मुझे भी नहीं मिला, अभी बाहर करवाना पड़ेगा, बाहर तो कुछ 5,000 लगेगा इसको इंजन को ओपन करने के लिए। सो यही है, आप ले रहे हो तो ध्यान से लेना, बजाज सर्विस सेंटर में ही सर्विस कराना, फिर वारंटी मिलेगा, वो भी नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि तुम्हारा गलती है, ऐसा ऐसा करके बोल देगा, वारंटी पे नहीं आता। सो कहीं जितना ही बस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बस।